दोस्तों, आजकल मार्केट में एक खबर को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है कि बीच सदन में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को देखकर फ्लाइंग किस दी। अब ये सब सिर्फ एक अफवाह है या फिर सच, ये मेरे को नहीं पता। पर जो इंसान भरे सदन में किसी को आंख मार सकता हो, किसी के गले जबरदस्ती पढ़ सकता हो या फिर हमेशा से ही जोकर गिरी कर सकता हो, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। पर फिलहाल आज वो हमारा मुद्दा नहीं है। दोनों ने ही सुप्रिया श्रीनेत को बौना साबित कर दिया है। आज ये दोनों ही सुप्रिया श्रीनेत से बहुत बड़ी वाली साबित हुई हैं। नो नो, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में ही ये पहली वाली हैं कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह। हमारे राहुल जी जो हैं, उनको लड़की का कमी नहीं है। कांग्रेस की चमचागिरी करते करते और स्मृति ईरानी को गलत बताते बताते ये आंटी भूल गईं कि राहुल गांधी इनके लिए भले ही युवा नेता होंगे, पर असल में वो कोई 21 साल के लड़के नहीं बल्कि 53 साल के बुढ़े हैं। हमारे राहुल जी जो हैं, उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे। 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। जी हाँ, 53 साल का बूढ़ा मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि अगर 50 साल की कोई औरत बूढ़ी है तो 53 साल का आदमी भी बुढ़ा ही होगा, जवान नहीं। सही बात है। मतलब जिस उम्र के राहुल गांधी हो चुके हैं, कुंवारी औरत मिलना भी मुश्किल है इनको, और ये लड़कियों की बात कर रही है। इनके जैसे कांग्रेस के विधायक और सांसद औरतें चाहे कितनी भी भेज दें राहुल गांधी के यहाँ, लेकिन लड़कियां मिलनी थोड़ी मुश्किल है भाई। हाँ, कोई अपने ही घर की लड़की भेज रहा हो तो I don't know. वो तो स्पीकर के तरह इशारा कर रहे हैं। उनको कैसे समझ में आ गया कि हमको राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं? राहुल गांधी की इस हरकत की निंदा करने की जगह आंटी का कहना है कि स्मृति ईरानी को कैसे पता चला कि फ्लाइंग किस उनको दिया गया था। उस तरफ तो स्पीकर महोदय भी बैठे थे और राहुल जी ने उनकी ही तरफ देखते इशारे किए थे। अरे आंटी जी, आंखें भी होती हैं इंसान के पास और थोड़ा सेंस भी, वही यूज किया था उन्होंने। चलो, सेंस का तो मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते ही गिरवी रख देना पड़ता है राहुल गांधी के चरणों में, लेकिन आंखें तो होती हैं ना, वही यूज की थी उन्होंने और वही यूज कीजिए आप, करके देखिए अच्छा लगेगा। नीतू आंटी की बातें अगर आपको गुस्सा दिला रही हैं तो 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि अगली मैडम उनसे भी 2 कदम आगे हैं। जो मोहतरमा कह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने उनको फ्लाइंग किस दिया, तो ये मुझे तो हंसी आ रही है कि राहुल गांधी जी के दिन इतने खराब नहीं हो गए हैं कि वो 5XL कमर्शियल सिलेंडर को फ्लाइंग किस देंगे। अरे भाई, उनके लिए तो हॉलीवुड से बॉलीवुड से प्रपोजल्स जा रहे हैं। अब देखो, स्मृति ईरानी को लेकर इनका चाहे जो भी ओपिनियन हो, लेकिन राहुल गांधी को लेकर इनको बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मतलब बॉलीवुड की और हॉलीवुड की वो कौन सी हीरोइनें हैं वही जो मरी जा रही हैं राहुल बाबा से शादी करने के लिए? मैं राहुल जी से मैं मुलाकात करने के लिए आई थी और उनसे शादी करना चाहती हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आरजेडी प्रवक्ता यानी कि लालू की पार्टी की है ये, तो ऑब्वियस है कि ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होंगी, इसलिए कोई बताओ इनको कि मियां खलीफा सिर्फ गोरी चमड़ी वाली है, सिर्फ विदेशन है, हॉलीवुड की नहीं है वो। बावजूद इसके वो भी एक हवा में तैरता हुआ चुंबन जो राहुल गांधी जी ने भेजा, किसने कहा था स्मृति ईरानी जी को कैच करने के लिए बीच में? और ये क्या प्रूफ कर पाएंगी वो कि राहुल गांधी जी ने जो फ्लाइंग किस भेजा था वो उनके पास ही पहुंचा? यही वो लोग हैं जिनकी वजह से लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ और रेप केसेस में 10-10 साल लग जाते हैं, लेकिन लड़की को इंसाफ नहीं मिलता। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ फेक केसेस भी होते हैं, लेकिन आरोपी का कैरेक्टर भी देखा जाता है। इस आदमी की अगर टाइम पे शादी हो गई होती तो आज ये दादा या फिर नाना होता, लेकिन कांग्रेसियों के हिसाब से ये आज भी एक युवा नेता है। ऐसा युवा नेता जिसके पास रोज बॉलीवुड और हॉलीवुड रिश्ते लेकर आ रहा है कि प्लीज हमारे किसी टॉप एक्ट्रेस से शादी कर लो, और अगर सच में वो रिश्ते लेकर आ रहा है तो कम से कम शादी ही कर लो, क्योंकि राजनीति तो इनके बस की बात नहीं है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय।